छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने 3,80,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इन नोटों को एक पिकअप में साड़ियों के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस इसे इंटरनेशनल नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। मामला सरायपाली थाना क्षेत्र का है। एसपी राजेश कुकरेजा ने बताया है कि 760 पैकेट से 76,500 के नकली नोट मिले हैं। इन्हें 4 बोरियों में भरकर सारंगगढ़ से रायपुर ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पिकअप चालक सरायपाली निवासी अरुण सिदार को गिरफ्तार किया गया है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे, इनकी जो कीमत है 3,80,00,000 रुपए की। ये नकली नोट बरामद हुए, इसमें से 12 साड़ियाँ थी जो, और एक पिकअप वैन, एक रेडमी मोबाइल के साथ में एक पिकअप वैन का चालक था अरुण सिदार, जो 18 वर्ष का है। ये सारंगगढ़ थाने का एक सरायपाली गांव में वहाँ का निवासी है। उसको पूछताछ किए तो उसने बताया कि एक व्यक्ति ने, चूँकि इसके पास पिकअप थी तो पिकअप में कुछ सामान रायपुर ले जाना है लोड करके, एक फ़ोन नंबर से इसकी पिकअप बुक करवाया था। एक निश्चित जगह पे सारंगगढ़ के थाने के एक अमेठी गांव पड़ता है, वहां पर उसको उसका सामान उसने रोड पे ही रखा हुआ था। और फिर ये वैन जब आई इसके पास में तो उसमें लोड करके निकला, तो ये सूचना मिली थी हमको। और चूँकि चालक है, चालक से अभी प्रारंभिक पूछताछ की गई है और इसमें निश्चित रूप से और काफ़ी लोगों का नाम सामने आएगा, किसने लोड कराया, कहाँ से लोड कराया, ये सब चीजों पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें और आगे जो इसमें खुलासा होगा आपको सामने बताएंगे।